चेरी है चेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे 5 और आज आर्यन ने मेरे लिए चाय बनाई थी, तो वही हम लोग चाय अभी पी रही हूँ। और थोड़ी शक्कर डाल दी थी उसने, बाकी तो अच्छी बनाई थी चाय, कल भी बनाई थी उसने। और अभी उसको 2 दिन से चाय बनाना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो ही बना रहा है मेरे लिए। तो अभी हमने नाश्ता किया और चाय भी पी। बस अभी जो काम बाकी बर्तन वगैरह घसना वो घसूंगी। और बच्चे भी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और विहान को भी मैंने ओट्स बना के रख दिया है, वो भी उसको खिलाऊंगी अभी। और विहान हाय करो, हाय करो बुबू। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बोलो बोलो, सब्सक्राइब टू माय मम्मास चैनल, बोलो। क्या खा रहा है तू? क्या खा रहा है? पपड़ी, पापड़ी खा रहा है क्या? चाहिए क्या है? खाएगा? नीचे बैठो, नीचे बैठो, इधर आओ, नीचे बैठो। अभी आई हूँ मैं किचन में, अभी बज रहे 6 और अभी रात का खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी वहीं। तो सोचा आपके साथ भी छोले की रेसिपी शेयर करूँ। और मैंने छोले मॉर्निंग में भिगो के रख दिए थे, तो अच्छे से भीग गए आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्ट ही बनाऊँगी, बॉयल वगैरह नहीं करूँगी। तो इसके लिए कांदा टमाटो पहले तो मैं अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद आपके साथ रेसिपी शेयर कर। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची इस तरह से मैंने डाल लिया है। और मुझे मसाले के नाम उतने पता नहीं है, इसीलिए थोड़ा ही डाला है, मुझे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं आते। और कांदा और टमाटो का पेस्ट डाल रही हूँ अभी मैं, तो इसको थोड़ा सा मिला लेंगे हम अभी। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी अभी मैं, और मैं रेडीमेड ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, क्योंकि दाल वगैरह बनाए तो ही उसमें लहसुन जो छिली वाली रहती है वो यूज़ करती हूँ। और इस तरह हमको जितना चाहिए उतना हमको डाल लेना है। इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल के डाला है अपनी क्वांटिटी अनुसार। अपने को तीखा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं आप। और इसको तेल छूटने तक अभी पका लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, क्योंकि अभी धूप चालू हो गई, तो सोचा क्यों ना बाहर भी जाना, आटा भी मारना था और थोड़ा राउंड मारे वैसे भी लगता है, इसलिए फिर अभी हम लोग तैयार हो गए और जा रहे हैं हम लोग अभी बाहर। आइसक्रीम खाएंगे और थोड़ा सा राउंड मार के आएंगे बस। चलो
खाना वगैरह खा लिया हमने, क्योंकि आज बनाया था मैंने डोसा, तो वही खाए हमने और अभी खा के जा रहे हैं। तो अभी बजे 8:30 और देखते हैं 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो चलो तो हम जा रहे थे उन हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी शॉप है महावीर, तो वहाँ ही हम लोग जा रहे थे। और जो मैंने फ्लेवर मंगवाया था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने आइसक्रीम थोड़ी खाई क्योंकि मेरे दांतों में थोड़ी सी झंझनाहट हो रही थी, तो फिर मैंने फालूदा अपने लिए मंगाया। और विहान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है आइसक्रीम खाना, तो खाता ही नहीं। मैंने बहुत उसको ट्राई करवाया कि थोड़ा सा तो खा ले, पर वो खाता ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आती है। तो फिर जब खाली हो गया था तो थोड़ा सा उसके हाथ में दिया, तो भी उसने बस ऐसे ही खेल रहा था, तो ऐसे ही। और अच्छी फ्लेवर था। और धूप में कभी कभी जाना अच्छा लगता है आइसक्रीम खाने। घर पे तो मंगवाते हैं, पर उतना बाहर जाके फैमिली के साथ और भी अच्छा लगता है। और हम लोग फिर खा के घर के लिए निकल गए थे। और फिर इस तरह से छोटा सा ही ब्लॉग मैंने आज शूट किया। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।